हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत म्यूजिक सुना होगा, जैसे खेसारी लाल, पवन सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे आप लोगों ने गाना सुना होगा। आप लोग सोचते हो क्या कि गाना ये लिखाता कैसे, राइटर कैसे लिखते हैं इसे, मैं भी कैसे लिखूं इसको। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग गाना कैसे लिख सकते हो, और आपका जो मन का डाउट है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं। और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आखिर लिखाता है, जो मैचिंग बीट होता है ना, जैसे कि आप लोग बीट पे सुनते हो गाना, मैं आप लोग एग्जाम्पल बताऊंगा, तो वो आप लोग कैसे मैच करवा सकते हो, ठीक है ना। आप लोग पीछे एक स्टोरी लेके आप बीट पे कैसे ला सकते हो उस गाने को, मैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो से आप लोग ठीक मिले तो वीडियो पे लाइक कर देना, एंड आप 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स। सो देखो गाइस, जो ये लिरिक्स है ना, जो भोजपुरी गाना की लिरिक्स है, तो इस लिरिक्स के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, जिससे आप लोग गाना लिखने में काफ़ी बेहद हेल्प मिलेगा इस एग्जांपल के थ्रू। सो देखो, आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कि चल ठुमका लगा तबला पा, ये एक मेन टॉपिक है, बीट वाला टॉपिक है। तो आप लोगों भी कोई ऐसा टॉपिक सजेस्ट करना होगा जिस पे आप लोग पूरी स्टोरी को, मतलब पूरी म्यूजिक को लिख सको। लाइक मैं आप लोग एग्जांपल बता रहा हूँ कि चल ठुमका लगाओ होली में, तो मतलब कि इस तरह की आप लोग मेन टॉपिक याद करना पड़ेगा पहले, तभी आप गाना लिख पाओगे। यहाँ पर जो पूरी लिरिक्स है ना, इसमें आप लोगों को मेन टॉपिक से मैच होना चाहिए लास्ट वाला वर्ड। एग्जांपल थ्रू समझो, देखो यहाँ पर ये जो फीमेल का साउंड है, यहाँ पर देखो सब साटा के पैसा सदौलत तनि दया करा, ए आबला पो, आबला और ताबला ये दोनों मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, तो इन्होंने आबला पर लिया है, मतलब कि आबला पो, तो चल ठुमका लगा ताबला पा, इस तरह से ये मैच हो रहा है। उसके बाद ये देखो खेसारी लाल का आवाज़ है हो जाय बवाल तोरा भागला पो, मतलब कि भागला पो ताबला प आबला प, मतलब ये मेन टॉपिक से मैच कर रहा, ठीक है ना, मेन टॉपिक से मैच कर रहा क्या, ये आबला भागला प, तो ये आबला भागला, मतलब ये टॉपिक से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आगे काहे बाड़ा खिसियात ए पागला प, मतलब कि काहे खिसियात बाड़ा ए पागला प, तो मतलब ये मेरे को लग रहा है कि ये फीमेल का साउंड है, ठीक है ना। तो हो कब ठुमका लगाओ चल ताबला पा, मतलब कि आप लोगों को ये टॉपिक से मैच होनी चाहिए, फीमेल की आवाज़ हो या मेल की आवाज़ हो, उसकी जो लास्ट वर्ड होनी चाहिए वो आपको टॉपिक से मैच ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को टॉपिक से मैच नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं यार गाना लिखने का। देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं यार, ये सबसे लास्ट वाला वर्ड है ये आबला पा, फिर भागला पा, उसके बाद आता है हमारे ताबला पा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना, और हाँ गाइस, आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोगों को हैंडल कर लूंगा, आप लोगों को मतलब कि जो भी डाउट होगा मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक से दोस्त बाय।